सो हे गाइज, वेलकम अगेन टू माई यूट्यूब चैनल. सो टूडे आवर टॉपिक इज पोएम नंबर 5 ऑफ क्लास 4. सो लेट्स स्टार्ट. सो द नेम ऑफ द पोएम इज हेलेन, सॉरी द नेम ऑफ द स्टोरी इज हेलेन केलर. स्टोरी का नेम क्या है? हेलेन केलर. ये हेलेन केलर आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा आज से पहले भी. और ये जो हेलेन केलर है ये एक बहुत बड़ी पूरी बुक है हेलेन केलर. उसके अंदर से आपको एक स्टेंजा गिवन है, मतलब सिर्फ एक चैप्टर गिवन है आपकी बुक में. ओके तो चलिए. और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो ना ही देख सकती थी ना ही बोल सॉरी ना ही देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने खुद के बारे में, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी अपने खुद के बारे में भी, उसने पूरी एक बड़ी बुक लिखी. तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द समर ऑफ 1880 ईयर का नेम है, मतलब कि 1880 का समर चल रहा था. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा. तो एक हेल्दी सी, मतलब कि हेल्दी सी लड़की पैदा हुई एक टाउन में, एक छोटे से टाउन में, शहर में एक हेल्दी सी लड़की पैदा हुई. और कहाँ पर? अलबामा में. कहाँ पर? अलबामा में. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर. उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती लड़की थी. तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलेन केलर. क्या नेम रखा उन्होंने उसका? हेलेन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. एक दिन उनकी बेटी बीमार पड़ गई और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी. हर फीवर स्टेड हाई, उसका फीवर हाई होते जा रहा था. सो आगे क्या हुआ कि एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उसकी फैमिली में सभी लोगों ने उसकी बहुत हेल्प करना चाहिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. बट ऑल द डे कुड सेव वॉज बट ऑल दे कुड सेव वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू द बेबी मे नॉट लिव. लेकिन सब लोग क्या कहते रहते थे, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्या पता ये बच्चे जिंदा रहे भी और ना भी रहे. तो हेलेन लाइव्ड, हेलेन जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. हेलेन जिंदा तो रही लेकिन जब वो ठीक हो गई, उसका बुखार ठीक हो गया, तो जैसे वो पहले थी वो वैसी नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हुआ उसके साथ. उसकी मम्मा ने कहा कि मेरी बेटी का बुखार तो ठीक हो गया लेकिन वो अभी तक उसके अंदर कोई चीज़ सही नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई चीज़, मतलब जैसे वो बुखार से पहले थी वो वैसी नहीं है अभी. तो क्या चेंज हुआ तो देखते हैं. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग. आखिरी में उनको पता चल गया कि क्या गलत था. द चाइल्ड को डंट सी और नाइदर हियर. ना ही वो बच्ची देख सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बेबी थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी सी लड़की में ग्रू हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलेन, उसके पेरेंट्स बहुत सॉरी फील करते थे उसके लिए कि वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए. हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलेन बहुत बार जोर जोर से रोती थी और उसकी मम्मा के पास चली जाती थी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. उसके पापा क्या कहते कि इस बच्ची को जो भी चाहिए तुम इसे दे दो. दो हेलेन कुडंट हियर और सी. तो हेलेन ना ही कुछ देख सकती थी ना ही कुछ बोल सकती थी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. लेकिन वो बहुत ही सुंदर सी एक छोटी सी लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलेन कुडंट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग सोचते थे कि हेलेन कभी भी कुछ भी याद नहीं कर सकेगी. सम पीपल थॉट हेलेन कुडंट लर्न एनीथिंग. समझ में आई इस लाइन का मतलब? ओके तो आगे चलते हैं. हर मदर डिंट एग्री. उसकी मदर नहीं मानी. उन्होंने ये नहीं माना कि मेरी बेटी कुछ भी याद नहीं कर सकती. Helen is very smart, she said and added. The problem is how can we reach her? अभी उसकी मम्मा कहते कि Helen बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उसके पास कैसे पहुँचे, हम उसको समझे कैसे. She is locked up inside herself. उसने अपने आप को लॉक कर चुका है. Helen began to grow wild. Wild means जंगली. Helen जंगली होती जा रही. जंगली मतलब वो अपने बालों को कभी अच्छे से कंघी भी नहीं कराती. ऐसे जैसे वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहते,
अनप्रॉपर वे से वैसे वो रहती थी। उसका कमरा ऐसे ही बिखरा रहता था, उसके बाल भी बिखरे रहते थे, उसके कपड़े भी मैले रहते थे। ओके, शी वुडंट लेट एनीवन कॉम हर हेयर्स। वो अपने बालों में किसी को कंघी नहीं मारने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा डर्टी रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। कई बार वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड द फिट। कई बार तो फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों से किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उसको कि उनको उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। ओके, सो मिस सुलाइवन a young teacher agreed to help Helen to learn to see the world. तो agree, तो Miss Sullivan एक टीचर थी, बहुत यंग थी, मतलब जवान थी, Miss Sullivan नाम था उनका। वो तैयार हो गई कि वो Helen को help करेंगी सुनने में, इस पूरे संसार को देखने में। तो Helen a doll, doll spells डोल। तब उसकी मिस सुलाइवन टीचर क्या कहती कि देखो हेलन, ये एक डोल है और डोल को क्या स्पेल करना होता है, DOL डोल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन हैंड। उसने उस वर्ड को कब स्पेल करा, जब अब मतलब हेलन की फिंगर्स को पकड़कर उस उन्होंने वो वर्ड स्पेल किया, हेलन्स हैंड। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। उन्होंने लेटर्स बनाए स्पेशल हैंड साइंस के साथ। ओके, आपकी इस बुक में भी स्पेशल सम स्पेशल हैंड वो सम स्पेशल हैंड साइंस गिवन, मैं आपको वो दिखा दूंगी। ओके, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि वो करना क्या चाहती है। मिस सुलाइवन हेलन लाइक्ड मिस सुलाइवन। हेलन को मिस सुलाइवन पसंद थी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट मतलब कि कड़क थी, मतलब बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली होती थी, लेकिन काइंड, बहुत दयालु भी थी। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। उन्होंने हेलन के लिए कितने सारे वर्ड्स बोले उसके हैंड पर, डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। दिन रात बोलती रही ताकि हेलन को कुछ समझ में आ जाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हैंड रनिंग वाटर मीन्स फाउंटेन मर फाउंटेन के बीच में रख दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी पिक्चर भी गिवन होगी आपको, ये देखिए दिख रही ना आपको पिक्चर। इट मीन्स यहाँ पर ये रहा हेलन का हैंड और उन्होंने उसकी टीचर ने हेलन का हैंड कहाँ रख दिया था, इस फाउंटेन के ये रनिंग वाटर इस फाउंटेन के बीच मिला दिया था इसका हैंड। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो फिर जब उसकी टीचर ने उसका हाथ फाउंटेन के बीच में दिया तो हेलन, तो फिर उसकी टीचर ने हेलन को बोला कि वाटर। फिर उसकी टीचर ने बोला हेलन को कि ये वाटर है। तो हेलन को अचानक से समझ में आ गया कि ऐसी कोई चीज़ जो मेरे हाथ को चीरती हो जाए, मतलब कि मेरे हाथ तक ही सीमित ना रहे, उसे मैं वाटर कहूँगी। ओके, तो हेलन को वो वर्ड समझ में आ गया। तो फिर क्या होता है, फिर हेलन कलर बता रही है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ वर्ड्स हमारे संसार में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें कुछ भी जानना हो तो हम उन वर्ड्स के ज़रिए ही सब कुछ जान सकते हैं। और कुछ न्यू वर्ड्स भी गिवन आपको, चलिए वो भी रीड कर लेते हैं। इलनेस मीन्स बीमार। ओके, इलनेस बीमार। डियरली प्यारी। अग्रीड मीन्स मान जाना, टू एग्री फॉर समथिंग। एंड इम्पोर्टेंट मीन्स वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी होना कुछ। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ वो आपको साइंस भी दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में गिवन है। तो चलिए वो वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ए कैसे बनाते हैं, विद दिस साउंड वी विल मेक साउंड, सॉरी इस साइन के साथ हम लोग ए बना सकते हैं। आई बात समझ में, किसके साथ ए बना सकते हैं, ये जो आपको साइन गिवन है ना, ऐसे हैंड करके फिर दूसरी हैंड से फिंगर टच करके इससे हम लोग ए बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से ए, ए का ये ट्रायंगल बन जाता है ऐसे। ओके, फिर ये ऐसे। बी कैसे बनता है, ये देखो बी, ये देखो ऐसे बन गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे बन गया ना बी। और सी तो ये बन ही गया, आपको तो अच्छे से समझ में आ गया। फिर डी, ये देखो ये बस थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, बट ये जो ब्लाइंड और डिफ होते हैं वो समझ जाते हैं। ये ई, ई कैसे बनाया इन्होंने, ये देखो ये 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 और ये,
एफ बी बन गया ना, देखो ये है और ये, और ये दो लाइंस निकल गई यहाँ से जी। अब ये जी थोड़ा सा हार्ड है, देखो ऐसे जाकर ऐसे बन रहे जी। ओके एच, ये देखो एच का साइन क्या होता है, किस हैंड के नीचे से जुड़ जाएगा वो एच, मतलब कि उसका मतलब हो जाता है एच। ये ऐसे कुछ साइंस गिवन है आपको, आप वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। मैं आपको देखिए ओ लेटर्स के, ओ लेटर्स के देखिए, ये वाई और जेड के, इनकी पिक्चर थोड़ी ब्लर आई हुई है, बट आप अपनी बुक के पेज नंबर 87 पे इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स होप यू लाइक माई दिस वीडियो एंड इफ यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ऑन चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।